तुमको अंदाजा नहीं कि तुम्हारे पास ये क्या है? पोती पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक को पढ़ना, मतलब दिमाग को जिंदा करना, और जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है। यही तो मैं बार बार कहता हूँ, तुमको पहले ये पता करना है कि यार क्यों पढ़ना है, क्या फायदा होगा पढ़ के। तुम नमक भी 10 रुपए का खरीदते हो क्योंकि वो तुम्हें फायदा करता है। तुम्हारे दिमागों में गलत बात बैठा दी गई है कि पढ़ना है नौकरी पाने के लिए, बस इसीलिए तुम परेशान हो। पढ़ना है समझने के लिए, जब समझ जाओगे तो ये अपने आप खुल जाएगा, तो खुद पढ़ने लगेगा, तो जब ये खुद पढ़ने लगेगा तो नौकरी भी अपने आप ही मिल जाएगी। किसी काम को तुम ज्यादा कब करते हो? जब तुमको उसमें मजा आने लगता है। पढ़ना मतलब दिमाग को जिंदा करना, और जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है। जो भी चीज तुमसे बड़ी है वो तुमको गुलाम बना लेगी, कोई भी। और किसी चीज को छोड़ना नहीं है, और हर चीज को सामने रखना है। मेरे एक मित्र हैं वाजपेयी जी, हैदराबाद में, न शराब पीते हैं, न मीट खाते, कुछ भी नहीं, लेकिन घर में एक बार बना रखा है। मैंने कहा वाजपेयी जी आप? बोला ओझा जी लोग कहते हैं कि शराब के साथ रहो तो इसकी लत पड़ जाती है, मुझे तो नहीं पड़ी, ताकत वाली बात है। कहते मैं इसमें बैठता रहता हूं, देखता रहता हूं। किसी से दूर भागना, यही तो हिंदुस्तान में लोगों ने गलत रास्ता अपना लिया, जंगल भाग गए। अब जंगल में स्त्री दिखाई नहीं पड़ेगी तो तुम्हें 2 साल बाद फील होने लगा कि मैं जीत गया, अब मुझे स्त्री प्रभावित नहीं करती, फिर सड़क पे आओगे। जितना सामान्य बनकर जी सकते हो उतने सामान्य बनकर रहो। साइकिल से चलो, चेकबुक लेकर, और 500 करोड़ साइन करने की क्षमता रहे लेकिन चलो साइकिल पर, और जेब में चेकबुक पड़ी रहे। ताज होटल में अंडर किए, उसने तुम्हारी साइकिल रोक दी, तुमने कहा ये पूरी कीमत बता दो होटल की, अभी खरीदना है अभी, और अकेले बैठेंगे और आज का डिनर यहीं करेंगे, तब तो मजा जिंदगी का।